is Juhi Jain. I recently qualified UGC NET in Sociology. So I want to thank all the teachers of JRF Padda, जिनकी वजह से first attempt में मेरा NET qualify हुआ. एंड सारे टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं, वो हर चीज़ के लिए आपको इतना गाइड करते हैं. सबसे बड़ी बात, इतना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है. अगर आप किसी भी वजह से पेड कोर्स नहीं भी ले पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप यूट्यूब क्लासेस को भी सीरियसली फॉलो करो तो डेफिनेटली जा रहे क्लियर कर सकते हो. एंड अदिति मैम का कंटेंट इतना अच्छा है कि वो हमेशा आपको एग्जाम में जो पूछा जा रहा है उससे नेक्स्ट लेवल ही प्रिपेयर कराते हैं. एंड उनके एग्जाम्पल्स इतने अच्छे होते हैं कि आप फन वे में कब पूरा टॉपिक आप समझ लेते हैं आपको खुद भी नहीं पता चलता. एंड कभी उन टॉपिक्स को आप भूल नहीं सकते अगर आप अच्छे से रिवीजन करो तो. एंड शिव सर इतना एक्सपीरियंस टीचर है जो न सिर्फ टॉपिक को डिटेल और इजी वे में पढ़ाते हैं बट कि आपको टॉपिक के अलावा भी हर चीज़ के लिए इतना गाइड करते हैं. वेदर PhD हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो, आप हर चीज़ के बारे में उनसे सजेशन ले सकते हैं. शिव सर स्पेशल थैंक्स टू यू, आपकी वजह से आपके एनवायरमेंट की क्लासेस ने मुझे पेपर 2 में काफ़ी हेल्प किया. एंड सो थैंक यू सो मच सर. रचना मैम इज वन ऑफ दोज टीचर्स जिनको अगर आप कभी भी उनकी क्लासेस ले रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनकी पर्सनैलिटी देखकर कि आप उनसे इंस्पायर ना हो. एंड आई डोंट थिंक सो इंडियन लॉजिक उनसे बेटर कोई पढ़ा सकता है. एंड मोस्टली स्टूडेंट को इंडियन लॉजिक का फियर होता है बट आई कैन गारंटी अगर आप उनकी क्लासेस सीरियसली फॉलो करोगे तो इंडियन लॉजिक आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है. एंड आयुषी मैम, आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड सो मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है. सो बस मैंने मैथ्स को स्टार्टिंग में सिर्फ नहीं पढ़ा था बट आयुषी मैम कि जो मैथ्स की काउंटडाउन सीरीज थी लास्ट में जिसमें उन्होंने सारे टॉपिक्स कवर किए थे MCQs में, तो वो मैंने काफ़ी सीरियसली फॉलो किया एंड उसकी वजह से मेरे मैथ्स में मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए. सो थैंक यू सो मच आयुषी मैम एंड ऑल द टीचर्स. थैंक यू सो मच सर, ये सब सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया. थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स. कीप इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस.